प्रिय साथियों नमस्कार, मैं SS महादेवी बोल रहा हूँ, महासचिव ग्रामीण डाक सेवक संगठन। साथियों इसलिए मैं आप लोग से ये मैसेज भेज के आप लोग का निवेदन करना चाहता था। कल हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन संगठन की एक दिन का भूख हड़ताल कार्यक्रम रखा है, मतलब 22/1/2020 को। इसमें आप लोग ज़्यादा संख्या में भाग लेने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एकता से हमारा कुछ GDS के लिए कल्याण होता है। इसलिए हम लोगों लगातार कोशिश चल रहा है, कुछ परिवर्तन आया है, कुछ आगे कुछ परिवर्तन है। आज फिलहाल कुछ मुद्दे हमारा विचार डाक विभाग के अंदर विचाराधीन है। ये पहले भी हम लोग आप लोगों का बोला है, सभी आज हम लोग इंतजार कर रहा है। सभी ग्रामीण डाक सेवक को वेतन श्रेणी एक ही हो चुका है। इस संबंध में डिपार्टमेंट में भी रिप्लाई दिया है, एक बंचिंग कुछ इंक्रीमेंट देने के संबंध में। इस संबंध में इस कमिटी का रिपोर्ट आ चुका है, ये आंतरिक फाइनेंस में गया है। इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी का भी मुद्दा कमिटी है, और 180 दिन का छुट्टी अक्यूमुलेशन करने का भी विचाराधीन है। दूसरी हमारा GDS को ग्रुप इंश्योरेंस का 5 लाख करने का हमारा मांग है। इस संबंध में भी डाक विभाग एक कमिटी बिठाया है। सारे चीज़ डाक विभाग का कुछ कमिटियों का ऑफिसर्स कमिटियों के द्वारा विचाराधीन चल रहा है। और दूसरी हम लोग पिछली 17 तारीख को, पिछली शुक्रवार को डाक विभाग से बैठक भी हुआ था। इस संबंध में हम लोग मेडिक्लेम के संबंध में एक बातचीत हुआ। इस मेडिक्लेम के संबंध में हम लोगों को हमारा AIGDS संगठन से एक को निवेदन किया है। हम लोग एम्प्लॉयसु ESI का हम लोग निवेदन किया, यदि नहीं हो तो CGSS में इंक्लूड कर रहे हो, ये तो हमारा हर वक्त का डिमांड है। और यदि ये नहीं बन सकता हो तो हम लोग का 5 लाख तक रीएम्बर्समेंट करने के लिए, हम लोग का सुविधा देने के लिए हम लोग सरकार से मांगा है। सरकार इस संबंध में डिपार्टमेंट दोबारा हमारा साथ बैठक करेगा बोला है। और दूसरी एक बैठक हुआ था GDS टू PA एग्जामिनेशन के संबंध में। इस संबंध में हमारा मांग था, हम लोग भी लेटर लिखा है, ऑलरेडी वेबसाइट में इसका प्रकाशित किया है। इसमें हम लोगों मांगा है, हम लोग का कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। और हमारा रिक्रूटमेंट रूल का आज के दिन में 30-35 वर्ष है, इसका हम लोग 10 वर्ष बढ़ाने के लिए मांग किया था। सरकार इस संबंध में और 5 वर्ष बढ़ा सकता बोला है। और दूसरी मांग है GDS से PA का हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपका मालूम है GDS MTS में 75% हमारा रिजर्वेशन है, और पोस्टमैन में भी 50% रिजर्वेशन है, परंतु GDS टू PA में हम लोग का कोई इसमें नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग का अभी फिलहाल अनफिल्ड वैकेंसी, MTS पोस्टमैन अनफिल्ड वैकेंसी से हम लोग का अवकाश दे रहा है, इसलिए बहुत कम हम लोग का अवसर होता है। इसलिए हम लोग को 25% हम लोग का रिजर्वेशन करने का मांगा है। ये डिपार्टमेंट दूसरी तरफ से बोलता है GDS का वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसी सूत्र से हम लोग का एक 20-25% हम लोग का रिजर्व किया हो तो इतना 20-25% हमारा पद को हम लोग का जरूर GDS का हो जाएगा, इस उद्देश्य कर रहा है। साथियों सारे इस मांगों का आप लोग का मालूम है, IPBP का मुद्दा सरकार ने अभी तक को ये सकारात्मक को स्टैंड नहीं लिया है। हम लोग का मांगे सबसे बड़ा रेगुलराइज करो, ये करो, 8 घंटा काम करने का मुद्दा रखा है। सरकार इसका अभी भी एक गुमराह उत्तर दे रहा है। इसलिए हम लोग कल 22/1 का देश भर में सभी सर्कल के सामने धरना का हमारा सर्कल संगठनों ने बहुत अच्छी तरह आयोजन कर रहा है। आप लोग ज्यादा संख्या में भाग लेके इसका सफल बनाने का मैं निवेदन करता हूँ। इसी तरह ऑल इंडिया स्तर पर डाक बोन के और जंतर मंतर के सामने आने वाला महीने फरवरी महीने 20 तारीख को दिल्ली में भी होगा, इसका भी हम लोगों तैयारी जारी किया है। ये जरूर 20 तारीख का हमारे एक दिन का भूख हड़ताल दिल्ली में भी होगा, इसमें भी आप लोग शिरकत लेके इसका सफल बनाने का आप लोग से निवेदन करता हूँ। आने वाला समय में हम लोग का उद्देश्य यही है, GDS का हम लोग एकता बनाना है। इस एकता से हम लोग
आगे बढ़ना है जीडीएस का कल्याण के लिए, ये एकता जरूरी है। हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी आज भी कितना ये हुआ है, इससे आगे बढ़ना है हम लोग। इसलिए हम लोग वो सभी ग्रामीण डाक सेवक का हमारे इस आंदोलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आप लोग शिरकत लेके सफल बनाने के लिए, मैं निवेदन करने के लिए मैसेज भेज रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण डाक सेवक यूनियन जिंदाबाद, जीडीएस जिंदाबाद। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। थैंक यू।